आज के दौर में सारी राजनीतिक पार्टी जब भी चुनाव आता है इस प्रयास में लगी रहती हैं कि कैसे पार्टी की विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, और ये सब करने के लिए सारी पार्टी अनेकों माध्यमों का इस्तेमाल करती है, जैसे ट्रेडिशनल कैंपेन, पोस्टर, बैनर, डोर टू डोर कैंपेन, रैली। अब हम बात करते हैं डिजिटल कैंपेन की, बात कर रहा हूं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। अपने मुद्दों को इन्हीं सब माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, वीडियो को पोस्ट करते हैं, नारे बनाते हैं और फिर इनको लोगों के बीच प्रमोट करते हैं। नमस्कार, मैं संजय अहलूवालिया। आज इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे पॉलिटिकल कैंपेन को वायरल किया जाए। वायरल करने में आज के दौर में सोशल मीडिया सबसे बेहतर, सस्ता और तेजी से वायरल करने का माध्यम है। इसके लिए हर पार्टी ने एक नेटवर्क बनाया हुआ है जिसमें सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टीम शामिल है। हर पार्टी इनको सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर और सोशल मीडिया प्रभारी बोलती है। सब पार्टी कोशिश करती है कि इन्हीं माध्यम से अपनी विचारधारा को देश की जनता तक पहुंचाया जाए। ये सबसे आसान तरीका है अपनी बात को देश की जनता तक पहुंचाने का, पर ऐसी बहुत कम पार्टी है जिनके पास ये टीम बनी होती है। इन सब टीम ने अपने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होते हैं और ये ग्रुप बूथ प्रभारी से लेकर ब्लॉक प्रभारी तक, फिर जिला स्तर तक, स्टेट स्तर तक बने हैं। कोई भी वीडियो या पोस्टर को वायरल करने में मात्र 1 घंटा भी नहीं लगता है और इस माध्यम से इतनी जल्दी वायरल होता है। ये कुछ ही देर में देश की आधी जनता तक पहुंच जाता है। कुछ पार्टी पेड प्रमोशन भी इस्तेमाल करती हैं, इसमें ज्यादातर फेसबुक का इस्तेमाल होता है और इसका मेन कारण ये है कि फेसबुक पर प्रमोशन करना बड़ा ही आसान है और आज के टाइम में बहुत लोग रोज फेसबुक पर एक्टिव भी रहते हैं। पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है फेसबुक पर, जैसे हर कोई अब पॉलिटिकल एड रन नहीं कर सकता है। वो कैसे करना है इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात को वायरल करने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करती है। ट्विटर पर पोस्ट को ट्रेंड कराया जाता है, पार्टी के सारे वॉलंटियर एक ही बात को कहते हैं, उसके लिए एक हैशटैग सेट किया जाता है। 2019 की बात है जब बीजेपी के ऑलमोस्ट सारे वॉलंटियर ने अपने ट्विटर पर हैंडल के यूजर नेम के आगे चौकीदार लिख लिया था। उस वक्त ट्विटर पर हैशटैग चौकीदार काफी ट्रेंड हुआ था और उस वक्त सोशल मीडिया पर चौकीदार वर्ड काफी प्रमोट हुआ था। और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 542 सीटों में से 303 सीट अपने नाम की थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।